70, ओके ठीक है, और इसको करेंगे फिनिश बाय डन। ये चीज़ सेट होगी हमारी। अब है हमारा ये चीज़, ये मेरा ख्याल फ़ॉन्ट छोटा लग रहा है ना, तो फ़ॉन्ट बड़ा कर लो, 25, 6, 7। अब कलर ब्लैक के बजाय ना ग्रेश का ना कोई टोन देते हैं। ये वाला ठीक है, गुड। और अब चलते हैं ये चीज़ बना लेते हैं। इसके लिए भी सिंपल है, डेट यहाँ पे डिव डॉट क्लास दे देता हूँ, पैशन वन, और पैशन वन के अंदर भी एंकर टैग है और उसके अंदर लिखा है वेब डिज़ाइनर, तो ये आ गया वो। तो यहाँ पर पैशन वन सेम चीज़ करेंगे जो इसके साथ कही, और एक बैकग्राउंड दे देंगे ये वाला, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से, बल्कि काम करते हैं दोबारा क्यों लिखना है, ये वाली चीज़ें पकड़ लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट। हाइट हाइट 20% कर देता हूँ, 25, 6 डन। और डिस्प्ले फ्लेक्स सॉरी सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर, यार हो जाओ प्लीज। जस्टिफाई कंटेंट बी सेंटर, गुड। इसके अंदर ए है जिसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। फ़ॉन्ट साइज 50 pixels, 80, 120, 130, 40, तो 40 किया डन। हमें कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, ये वाला, यहाँ से कॉपी करके सिर्फ यहाँ पे पेस्ट, फ़ॉन्ट आ गया। कलर जो है कलर मैं ब्लैक के अंदर ये वाला कुछ इस तरह से दिया जाए, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, अगर है वो इस वजह से है, इधर पता तो लगे। अगर 30 करते हैं, 30 सेट है, 150, 60, 70, 70 ओके नाइस। और टॉप से 20 इतना सही रहेगा, अगर इसको भी देते हैं क्योंकि फासला रखना है ना हमने, ठीक है। तो जो पैशन वन है अगर इसको 18 कर दूँ तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक गेम हमारी आ गई, बहुत नाइस, वेल डन, ग्रेट। अब एक और चीज़, और वो ये कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो अभी नहीं बनाएंगे, वो भी बाद बाद की बात है, ठीक है ठीक है ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ बनेगी, तो सेम चीज़ यहाँ पर हम पैशन टू, और यहाँ पर लिख देंगे ऐड फोटोग्राफर हमें कहना चाहिए। तो सेम थिंग इधर और इधर, इधर नहीं इधर, पैशन टू
कूल, वह इसको 20 कर दो, 80, 60, 55, 50, 40, फाइव ही सही लग रहा है। सही है, ओके। करेंगे क्या कि ये जो चीज़ है ना, ये ना करके मुझे चाहिए यहाँ पे एक बॉर्डर 1 pixels, सॉरी ये नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ क्या चाहिए। वो है जी वेब किट, वेब किट टेक्स्ट स्टॉक। यहाँ पे सबसे पहले विड्थ देते हैं 1 pixel का, और कलर मुझे ये वाला चाहिए कुछ इस तरह। तो इस तरह भी नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं वेब किट, ठीक है उसी तरह होगा ये, और सिर्फ ये जो कलर है ना इसको कर देंगे ट्रांसपेरेंट, तो वो हो लुक हमारे पास आ गई 0.5 pixel हो जाएगी। 8 तो ये डन, नाइस। अब ये वाली चीज़ करेंगे, और वो चीज़ क्या है, जब इस पर माउस एंटर करे तो ये कलर हो गया, लीव करे तो सिंपल एज डैट ये चीज़ हो गई। वो कर कैसे करेंगे, सिंपल एज यहाँ पर वेरिएबल, और यहाँ पर लिख दूँगा पैशन 2 और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर करके पैशन 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, डॉट हीरो बॉक्स के अंदर डॉट ये है। अब करेंगे क्या, वो देखो पैशन जो 2 है ना मेरा, उस पर इवेंट लिस्ट में लगा रहा हूँ, कौन से वाला, जब इसमें माउस एंटर करे, माउस एंटर, और माउस एंटर करते साथ ये एक फंक्शन चलाएगा, और फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन के अंदर मैं कह दूंगा ये जो पैशन 2 है ना, तुम क्या करो इसके तुम स्टाइल में जाओ, डन। अब ये क्या करेगा, पैशन 2 के स्टाइल के अंदर जाएगा, यानी कि इधर वो जाएगा, तो मुझे कहना चाहिए ना कि पैशन 2, पैशन 2 के अंदर का जो ए है वहाँ पर जाओ। अच्छा तो पैशन 2 के अंदर वो जाएगा, पैशन 2 यानी कि इसके अंदर, इसके स्टाइल के अंदर जाएगा, इसके स्टाइल के अंदर जाके मैं इसको कहूँगा जो इसका कलर है ना वो तुम कर दो ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला, ये इस तरह, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट, डन। उसके बाद देखेंगे हुआ कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ना एक ट्रांजिशन अगर लग जाएगी ना तो स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा, तो ट्रांजिशन 0.5 second इज, दोबारा कोशिश, ओके कूल। इसी को कॉपी करके सिर्फ रिप्लेस करना है हमने माउस लीफ के लिए, और माउस लीफ के लिए अगेन हमने उसको क्या देना है, ट्रांसपेरेंट, देखते हो लोगा, देखा कूल, मज़ा आया, नाइस। अब बस हमको ये करना है कि जब इस पर माउस एंटर करे देन इसका कलर चेंज कर देना, और ये इस तरह से कर देना, वो किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको कहेंगे हम पैशन वन, देखो जब पैशन 2 पे माउस एंटर करेगा डन,